अरे बबलू भैया। हाँ बोलो मस्तराम, कुछ मजेदार सुनाइए ना। तो सुनो, एक बार एक आदमी की फैमिली बड़ी ओवर अचीवर्स की फैमिली थी। तो उसके दादाजी ने माउंट एवरेस्ट अकेले चढ़ा था, उसके पिताजी ने पूरे दुनिया का वर्ल्ड टूर किया था शिप पे। तो इसके ऊपर भी बहुत बड़ा प्रेशर था कि इसको भी कुछ ना कुछ तो लाइफ में करना है। तो इसने डिसाइड किया कि ये अरेबियन डेजर्ट जो है अकेले ट्रैवल करेगा। तो ये निकल पड़ा अपनी मंजिल की तरफ। तो कि फिर कई दिनें तो चलता रहा अरेबियन डेजर्ट में अकेले चलता रहा। कुछ दिनों तक का जो पानी थी, कुछ दिनों तक का जो खाना था वो ख़त्म हो गया थोड़े दिनों में। फिर इसके पास ना खाना बचा ना पानी बची और बहुत ही प्यास लग रही थी। और अब ये बहुत भयानक डेजर्ट में आ चुका था। डेजर्ट में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इसके पैर जल रहे थे, पैर में छाले हो गए, प्यास लगी है, इसकी बॉडी पूरी टूट रही थी और इसका पूरा बदन टूट रहा था। इतनी ज़्यादा गर्मी और बहुत तेज से प्यास लगी थी और पूरा मुँह सूख चुका था। तो अरेबियन डेजर्ट में अकेले चले जा रहा है, दूर दूर तक उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। फिर उसे अचानक से पास में एक पॉन्ड नज़र आया। तो उसे बड़ी खुशी हुई यार कि पॉन्ड दिख गया। दौड़ दौड़ के उसके पास गया। वहाँ जब गया तो पता चला वो मिराज थी। मिराज मतलब क्या होता है ना कि वो मतलब लगता है दूर से पानी है बट वहाँ पे रेत होती है। तो ये दूर से ये ऐसा आँखों का धोखा होता है। तो फिर वो बहुत निराश हो गया, प्यास से मरे जा रहा है। तो तभी उसे एक दूर एक ऊँट दिखा और उस पर एक अरब शेख बैठा हुआ था ऊँट के। अरब शेख को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। तो दौड़ के गया और अरब शेख को कहा कि अरे मैं बहुत दो दिन से बहुत ज़्यादा प्यासा हूँ, बहुत तेज मुझे प्यास लगी है, आपके पास पानी होगा तो प्लीज़ मुझे दे दीजिए नहीं तो मैं मर जाऊँगा, तड़पते तड़पते कहा। तो अरब शेख ने कहा कि नहीं मैं तो टाई बेचता हूँ, मेरे पास ब्लू टाई है, रेड टाई है, ग्रीन टाई है, येलो टाई है, आपको कौन सा कलर का टाई चाहिए बताइए, टाई है मेरे पास, पानी तो नहीं है। कहा यार इतनी बड़े रेगिस्तान है यार, दूर दूर तक कोई नहीं है, तुम टाई बेच रहे हो, पानी दो यार, मजाक ना करो। कहा कि नहीं मेरा टाई का धंधा है, मैं तो टाई बेचता हूँ। तो फिर यार ये बहुत निराश हो गया कि यार मेरे को नहीं मिला। वो चलते गया, बहुत गर्मी, धूप बढ़ती जा रही थी, पैर जलते जा रहे थे, प्यास बढ़ती जा रही थी, तड़पते जा रहा था पर चलते जा रहा था। फिर उससे दूर जाके एक और एक ऊँट दिखी और उस पर एक और अरब शेख बैठा हुआ था। तो इस बार तो वो बहुत खुश हो गया कि जरूर इसके पास तो जरूर पानी होगा। तो वो दौड़ के उस अरब शेख के पास गया और उससे पूछा प्लीज़ मुझे आप पानी दे दीजिए, मैं बहुत तेज प्यास लगी है मुझे। उसने कहा मैं तो टाई बेचता हूँ, ये ब्लू कलर की टाई है, येलो कलर की टाई है, ग्रीन टाई, कौन सी टाई चाहिए आपको बताइए, ये मेरे पास फॉर्मल टाई भी है, इनफॉर्मल टाई भी है, पतली टाई भी है, ये कॉलर वाली टाई भी है। तो कहा यार ये ऐसे नहीं चाहिए, मैं मरे जा रहा हूँ यार प्यास, तुम एक गिलास कहीं पानी नहीं रखे, एक बॉटल पानी नहीं रखे, छोटी सी आधा गिलास भी एक बूंद भी दे दूँ तो भी चलेगा यार, मैं सारे पैसे दे दूंगा आपने तुम। उसने कहा नहीं यार मेरे पास है ही नहीं, पानी तो मैं रखा ही नहीं, मैं पता टाई बेच रहा हूँ। तो बड़ा हैरान हुआ यार टाई बेच रहा है। फिर वो चलते गया दूर, धूप बढ़ती जा रही थी, पैर जलता जा रहा था, मुंह सूखता जा रहा था, पसीना होते जा रहा था, डिहाइड्रेशन बढ़ते जा रही थी, परेशान होते जा रहा था कि अब तो पक्का मर जाऊंगा, अपने फैमिली का नाम नहीं रोशन कर पाऊंगा, मुझे डेजर्ट को अकेले पार करना था पर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा निराश हो गया। फिर फाइनली वो उसको एक बहुत दूर पे एक बहुत बड़ा होटल दिखा, खूबसूरत। इसने कहा कि यार पानी नहीं मिल रहा था, अभी तो मुझे साला होटल दिख गया। तो दौड़े दौड़े उस होटल के पास गया, अंदर जाने लगा तो रिसेप्शनिस्ट ने उसे रोक दिया। रिसेप्शनिस्ट ने कहा एक्सक्यूज मी, तो इसने कहा हाँ। तो रिसेप्शनिस्ट ने कहा देखिए हमारे होटल की एक पॉलिसी है, हम बिना टाई के एंट्री नहीं देते हैं।